रसूल करीम रऊफ़ुरम सल्ला वही व्लम की ज़ा अक तस्पा सामीन मोहतरम आज की हमारी इस मजलस का मौजू है घर क्यों उजड़ते हैं क़ुर मजीद का जो हिस्सा मैंने अभी आपके सामने तिलावत किया है ये इल क़लिम अल्लाह तबारा का वाली का कलाम है अल्फाज मुख्तसर हैं लेकिन मतलब और माना जो है वो इंतहाई वसी अल्लाह तबारा का वताल ही वो जात है जिसने हमारे घरों को हमारे लिए ठहरने का सुकून हासिल करने का एक जरिया बनाया है अल्लाह तबारा का वाले के जो अतियात है वो दो तरह के हैं एक अल्लाह तबारा का वाली का अती वो है जिसमें इंसान का कोई दखल नहीं इसमें रिजक भी है हसबो नसब भी है माँ बाप भी है हम में से किसी ने भी अल्लाह ताला को यह नहीं कहा कि हमें फलां खानदान में और फलां माँ बाप के यहां पैदा करना और बाज अतियात अल्लाह तबारा का वाले के ऐसे हैं कि जिसके अंदर इंसानी मेहनत और कसब का दखल है और अल्लाह तबारा का वाले ने यही बात कुरान मजीद के अंदर इशाद फरमाई है वह अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको तलाश करो ये बच्चे जो है ना बस मारना नहीं है जी बस प्यार से जी हाँ कोई बात थोड़ा दोस्त अहबाब आगे आगे आ जाए थोड़ा और थोड़ा जी पीछे जो दो, दोस्त आ रहे हैं उनके लिए जगह बन जाए मैं फिर बात को दोहराने लगा हूं अल्लाह तबारा का वाले के अतियात दो तरह के हैं एक जिसमें इंसानी मेहनत कसब जदोजहद कोशिश का कोई अमल दखल नहीं और एक वो कि जिनको इख्तियार करने का अल्लाह तबारा का वाले ने हमें हुक्म दिया है मेरे भाइयों दोस्तों इंसानी जो घराना है इसमें अल्लाह तबारा व तआला की दोनों नेमतें दाखिल हैं बिन मांगे भी और इंसान जो मांगता है वो भी बिन मांगे मैंने आपके सामने इसकी वजहत कर दी और जो चीजें अल्लाह तबारा व तआला से मांगी जाती हैं उनमें रिजक बीवी रबना हबलाना मिन अजवा जीना वजना कुर्रत लिल वज्लामुतना इमामा और फिर इसी तरह खाने पीने की जो नेमतें हैं ये भी अल्लाह तबारा व तआला की अता है अब इस कायनात का जो सबसे पहला रिश्ता है आपने इस बात पर गौर करना है कि वो रिश्ता कौन सा है दीन इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा फजीलत जिस रिश्ते की है वो मां बाप है और सबसे ज्यादा अहमियत जिस रिश्ते की है वो मियां बीवी और यही वजह है

عليكم رقيبا यानी इस कायनात का पहला रिश्ता जो है वो मिया बीवी का है अब घर से क्या मुराद है घर से मुराद मिया बीवी घर से मुराद वालिदैन घर से मुराद औलाद घर से मुराद बहन भाई और घर से मुराद रिश्तेदारी जो अपनी रिश्तेदारियों को छोड़ देते हैं ददयाल और ननयाल चार रिश्ते ऐसे हैं कि जिनसे एराज करने वाला जो है वो अल्लाह तबारा का वाले का मुजरम है एक वालिद के बहन भाई जिनको चचा और ताया कहा जाता है और पप्पी कहा जाता है और एक वालिदा के बहन भाई जिनको मामा मामू या खाला कहा जाता है इस्लाम के अंदर इनकी जो मंजिलत है नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल-अमुसिन फरमायाबी ही बाप का भाई भी बाप की तरह है और खाला के बारे में नबी सलातु सलाम ने फरमाया अल खालतु खुबी मंजिला खाला मासी है यानी खाला का जो दर्जा है वो मां जैसा है अब ये जो दोनों रिश्तेदारियां हैं ये रहम की रिश्तेदारियां हैं एक मां के रहम से के नानी के बतन से जो पैदा हुए और एक दादी के बतन से जो पैदा हुए और फिर अपनी मां के बतन से जो पैदा हुए मेरे भाइयों दोस्तों कोई फर्दो बशर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जिसकी दीनदारी इसकी झलक रिश्तों के अंदर नजर आती हो हमारे यहां दीनदारों की जो अक्सरियत है नमाजों की पाबंदी करेंगे रोजे रखेंगे ताजुद का एहतमाम करेंगे लेकिन लेन देन के मामले में अक्सरियत मजहबी लोगों की खोटी और इसी तरह रिश्तेदारियों के मामले में अक्सरियत मजहबी लोगों की बहुत पीछे है चंद बातें ऐसी हैं जो काफिरों और मुसलमानों में फर्क करने वाली हैं मां बाप का अदब काफिर और मुस्लिम में फर्क करता है काफिर अपने बूढे मां बाप को ओल्ड सेंटर के लिए छोड़ देते हैं और मुसलमान अपने मां बाप को आखिरी सांसों तक नहीं छोड़ता कि मेरी जन्नत जो है वो इनकी रजा के साथ मशरूत है काफिर बेटी की पेदाइश से नाराज ना, ना खुश और मुसलमान जो है वो बेटी की पेदाइश से खुश होता है कि मैंने बेटियों वाले नबी का कलमा पढ़ा है अब एक बात याद रखे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मैं अपने साथियों को एक बात अक्सर कहता हूं और अपनी और उनकी और इसलाह के लिए कहता हूं कि हम नमाजों वाले मुसलमान नहीं हम मामलात वाले मुसलमान हैं के काफिर और मुसलमान में फर्क करने वाला एक अमल हलाल और हराम का भी है हम रिश्तेदारियों वाले मुसलमान हैं क्योंकि काफिरों और मुसलमानों में फर्क करने वाला एक अमल जो है वो रिश्तेदारियों को नबाने का अमल भी है यही वजह है नबी अलातू सलाम ने फरमाया अलाउबी रुकुम दर आ जातीम फरमाया क्या ऐसे आदमी के बारे में तुम्हें खबर ना दू कि जिसका दर्जा और फजीलत मुसलसल रोजेदार और मुसलसल नमाजें और तहजद गुजार के बराबर है अब मेरे भाइयों वो कौन सा ऐसा अमल है कि जिससे इंसान जो है इतनी बड़ी फजीलत अल्लाह के यहां हासिल कर लेता है वो अमल नबी आल सलासलाम ने फरमाया जातिल वातिल्बी और इसला जातिल इसलाहजिलबैन के अंदर सबसे अहम जो चीज़ है वो बहन भाइयों के साथ उसने सलूक और नरमी है अच्छा बहन भाइयों के साथ उसने सलूक और नरमी मेरे भाइयों दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि माँ बाप भी घर में मियाँ बीवी भी घर में बहन भाई भी घर में औलाद भी घर में और रिश्तेदारियां भी घर में ये घर है और अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे घर पर अल्लाह का हाथ है या नहीं सबसे पहले देखें कि आप अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करने वाले आप कह देंगे कि बात तो माँ बाप की हो रही थी तो ये आपने बीवी का तस्करा क्यों कर दिया नबी सलाम ने फरमाया अना खैरुक ली अहली। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन है और मैं मोहम्मद अपनी बीवी अपने अहल अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन हजरात नबी सलात ने इसको कसवटी क्यों बनाया है ये बात याद रखें अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा यौ मलामत का दिन होगा कोई चीज इंसान के काम नहीं आएगी क्या काम आएगा इल्ला मन अतल्लाह सलीम। वो बंदा कामयाब होगा क्या मत की ओल नाकियों में जिसके पास सलामती वाला दिल हो सलामती वाला दिल आपका दिल जो है वो सलामती वाला है तो आपकी आंखें रोएंगी वगरना बड़े बड़े लोग मोजिन और नमाजी हैं लेकिन दिल के इतने सख्त हैं कि उनकी आंखें रोती हैं नहीं मैंने शरीयत को इस जाविये से देखा है मुझे खुशी है कि आपने ये मौजू दिया है क्योंकि हम हमेशा दयानत दारी दारी को नमाजों से देखते हैं और दाढ़ियों और नमाजियों पर एतमाद करके हम बड़ा नुकसान उठाते हैं हम अल्लाह तबारक वाल की जन्नत जो है वो इबादत और जल्सों के जरिया तो हासिल करने चाहते हैं लेकिन मां बाप की रजा के जरिए हम जन्नत जो है वो हासिल नहीं करना चाहते आइए अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरतीब के मुताबिक चलते हैं कि घर क्या है वक़ज़ा कजा अब याहू वह बिल वाली दईनी इहसाना एक हदीस चाहिए सिर्फ एक किस तरह का तीन बंदे गार के अंदर बंद हो गए दिन दिहाड़े तूफान तो आया पना लेने के लिए अंदर छुपे लैंड स्लाइडिंग हुई तो गार बंद हो गई अब तीनों जिंदा घर हैं, उनमें एक बंदा जो है वो अल्लाह के सामने क्या अमल पेश करता है या अल्लाह मैं बकरियों का चरवाहा चराता चराता दूर चला गया अब मेरी आदत क्या थी कि मैं जब घर आता तो सबसे पहले दूध गजा खुराक जो है वो अपने माँ बाप को पेश करता हमारे नब्बे नहीं ननानवे फीसद मजहबी लोग फेल है जो अपने लुकमे से पहले अपने माँ बाप को याद रखते अपनी औलाद के नमा से पहले अगर आपके लिबास से आपके मां बाप का लिबास बेहतर है तो आपके घर पर अल्लाह का हाथ है अगर आपकी खुराक से आपके वालदेन की खुराक बेहतर है औलाद जो है वो बेहतर से बेहतरीन गजा जो है वो खाती है और माँ बाप की परवाही है तो उसने क्या कहा अल्लाह तुझे पता है मैं जब वापिस आया कुछ लेट हो गया बूढ़े माँ बाप सो गए अल्लाह तब तक मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया जब तक मेरे माँ बाप अपनी मर्जी से उठे नहीं उन्होंने पिया नहीं तब तक मैंने अपने बीवी और अपने बच्चों को नहीं पिला भाई लाओ ऐसा मजहबी बंदा हजरत आपने मामलात वाला अहले हदीस और अहले सुन्नत बनना है रिश्तेदारियों वाला आपने अहले हदीस और अहले सुन्नत बनना है आपने ये देखना है कि आज मेरे घर में फितने हैं फितने घरों के क्या होते हैं रिजक तंग है जिसने अपनी रिश्तों को नजरअंदाज किया हुआ है उसका रिजक तंग है आप ये ना कह दो मौलवी शुरू कर दिया तिरमदी की है अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया जो बंदा चाहता है उसकी उम्र में बरकत हो रिजक में इजाफा बरकत हो फल या महू वो अपने रिश्ते को जोड़ के रखे मासी मामू के साथ पुफी चचा के साथ ददयाल नलयाल के साथ बहन भाइयों के साथ अपनी औलाद के साथ अपनी बीवी के साथ बना के रखे अल्लाह तबारा का वाला जो है वो उसके रिजक को कुशादा करेगा तो रिजक की तंगी का बायस जो है वो घरों के उजड़ने का बायस जो है वो रिश्तेदारियों को नजरअंदाज कर अब आइए के घरों पर अल्लाह तबारा व वाता का हाथ नहीं तो रिजक की तंगी हजरा दूसरी तंगी क्या है आज सबसे बड़ा जो मसला है वो क्या है हमारे बच्चों और बच्चियों के रिश्ते नहीं होते हर आदमी परेशान है पहले तो रिश्ते होते नहीं हैं और फिर जब रिश्ते हो जाते हैं ऐसे ऐसे गंदे गलीज किस्म के जवाई मिलते हैं बूढ़े माँ बाप को ना लटका के रख देते वो बेचारे दिल के मरीज हो जाते हैं अपनी बेटियों की वजह से अपनी औलादों की वजह से उनके दिमाग की नसें फट जाती हैं तो ये फितने अच्छा भाई यहाँ पर मैं एक जुमला मोहता कहना चाहता हूँ, हम बड़ी दुआएं करते हैं लेकिन आपने कभी नबी सलातम की इस दुआ पर गौर किया है कि अल्लाह हमारे बर्तनों में बरकत दे दे आज हमारे घरों में हमारे बर्तनों के अंदर बरकत नहीं करोड़ों की कोठियां बैरून मुल्क के कीमती बर्तन हैं। लेकिन घरों में बसना और रहना कैसे है ये भी नहीं मिसाल नबी सलासलम ने फरमाया बर्तनों के अंदर वबा नाजिल होती है और वो वबा जब नाजिल होती है बंदे को पकड़ लेती है बंदा खाना खाता है उससे मर जाता है बीमारियां लग जाती हैं आप सब क्यों जी ऐसे ही है रसुल्ला का फरमान है आपका हुक्म है कि बर्तनों को ढांपना है और किस वक़्त डांपना है हमें ये नहीं पता किस वक्त घरों के दरवाजों को बंद करने का रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है? हमें यह नहीं पता अल्लाह के नबी का हुक्म है घर क्यों उजड़ते हैं भाई जिस घर के अंदर सूरज निकलने से पहले इबादत ना हो उजड़ जाते हैं। सूरज निकलने से पहले जिस घर के दरवाजे शाम के वक्त बांध ना हो उजड़ जाते जिस घर की औलादें लेट घरों से बाहर निकलेंगी जिना का शिकार होंगी कत्लो का शिकार होंगी, उजड़ जाते बड़ी सारी बातें मैंने इशारों से कहने ली घर क्यों उजड़ते हैं शादियां ताखिर से होती हैं लड़कों की भी दोस्तियां और लड़कियों की भी दोस्ती और जिना ऐसा अमल है जो बंदा शादी से पहले इस गुनाह का मुर्तब हुआ मरते दम तक मिया बीवी का सही ताल्लुक हो ही नहीं सकता शैतान ऐसा उसके दिमाग के अंदर दाखिल होता है ना बीवी को सारी जिंदगी खामद पसंद आता है ना खामद को सारी जिंदगी बीवी पसंद आती है वो जिना की नवसत जो है ना वो दिमाग के अंदर शैतान डाल देता आप उल्मा से इसकी वजा जो है वो मजीद हासिल कर सकते हैं मेरे भाइयों दोस्तों अब बात करते हैं मियाँ बीवी के ताल्लुक की नबी अलैहि सलातु सला सलाम नबीरमा खामत की जिम्मेदारी क्या है खावंद की जिम्मेदारी ये है कि ससुराल जो तेरी बीवी को पैसे देकर गए हैं उनके जाते क्या ना दया होगा कि नहीं देख गया है नहीं। हमारे हर दूसरे घर की ये हरकत है गंदी खसलत है लोग अपने बच्चों के तोहफे तहफ भी पी जाते हैं मैं तहदीस नेमत के तौर पर यह बात करना चाहता हूं कि जो रिश्तेदार मेरे बहन भाई या मेरे बच्चों के ननियाल या मेरे दोस्त अब मेरे बच्चों को पैसे देते हैं तो मेरी बीवी ने मुझे कहा इतने हो गए हैं कि हमें इनकी जक़त देना पड़ेगी वला वा वला वाला इल्ला बिल्ला कभी अपने बच्चों के हुकूक ना खाएं इससे घरों के अंदर तंगियां पैदा होती हैं घर उजड़ते हैं हजरात नबी सलात ने फरमाया औरत के साथ चार खूबियों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है पहली खूबी नसब लोग अपनी बरादरी को तरजीह देते हैं और अगर बरादरी में कोई अखलाक वाला कोई खूबियों वाला हो तो उसको तरजीह देनी भी चाहिए आप बैठ जाए तरजीह देनी भी चाहिए कोई ये ऐप वाली बात नहीं ऐप तब है कि जब आप खूबियों को और दीन को बरादरी की बुनियाद पर नजरअंदाज कर मेरे भाइयों दोस्तों औरत उसका माल भाई खाते पीते घराने के बाप मर गया तो इतने लाखों करोड़ों इसको तरके के अंदर आएंगे जमानुहा उसकी खूबसूरती है अच्छा जी बशमूल मेरे। हम जितने भी बैठे हुए हैं ना हम में से हर एक की ख्वाहिश है भाई दुनिया दी सब तो खूबसूरत जड़ी औरत ना वो मेरी बीवी होनी चाहिए और अल्लाह के नबी सलाम ने क्या फरमाया फर बिजात तारीबत दाक इसका माना है तेरे पल्ले कुछ भी ना रहे यानी तेरे हाथ खाक उलूद हो जाए पल्ले कुछ भी ना रहे दीनदार औरत को पसंद करना है किसको पसंद करना है दीनदार अच्छा जी हजरत जिन लोगों ने माल और जमाल की वजह से रिश्ते किए खामन से बढ़कर उसका अगर कोई दोस्त रिश्तेदार देखा उसको छोड़ा उसको कर लिया क्यों भाई ऐसी मिसालें हैं कि नहीं है आप जानते हैं। माल वाला देखा उसको छोड़ा उसको कर लिया और दीन क्या है बड़े खूबसूरत थे अल्लाह के नबी इतनी बीवियां उनको जिस्मानी जिल्द की मरज लग गई चमड़ा जो है वो झड़ता था बीमारी से लफ्ज नहीं बोलना चाहता यानी जिल की कोई खतरनाक किस्म की बीमारी लग गई सारी बीवियां छोड़ गई अल्लाह ने एक बीवी का तस्करा दीन इस्लाम के अंदर किया और क्यामत की सुबह तक इसका तस्करा था जरतें यू से कहे तू भी टोर जा ना मैं तो नहीं जोड़ना हजरात इतने मालदार थे फूटी कौड़ी भी ना रही मोगलिया खानदान मोगलिया दौर में फूटी कौड़ी जो है ना ये कौड़ियां जिसके साथ खेलते हैं ये सिक्के के तौर पे इस्तेमाल होते है तो फूटी कौड़ी जो है वो भी ना रही अल्लाह को मियाँ बीवी की वफात कितनी पसंद है अल्लाह को पसंद है ना अल्लाह ने इसको दीन इस्लाम का मजमून बनाया और बीवी की वफात कैसी वो लकड़ियां काटती इतनी मुशक्कत इंतहाई मुशक्कत अपने सर पे कमर पे गठा उठाती बाजार में जाकर बेचती उससे जो पैसे हासिल होते उसकी रोजी जो है उसका खाना जरत अयूब इस्लाम को खिलाती हضرات, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नेक औरत खामद घर न हो हाफिजत हो चादर चार दीवारी की मुहाफिजा हो खबरदार कोई नहीं फटक सकता ये नहीं कि सब्जी वाले से भी गपशप मिनियारी वाले से भी गप शप मुख्तलिफ हीले बहानों से बाजार में जाना दुकानों पर जाना ये अल्लाह तला की पसंदीदा औरतें नहीं है अल्लाह ने हुक्म दिया वह करना फी बुत कुन्ना अपने घरों में ठहरो आज ये एक बहुत बड़ा मसला है घर क्यों उजड़ते हैं हमारे कुछ लोग ना दीन में कुछ ज्यादा पढ़ जाते हैं पढ़ पढ़ जाना हर चीज के अंदर इतदाल होना चाहिए पढ़ना ज्यादा और अमल थोड़ा अल्लाह ताला ऐसे मौलवियों से ऐसे दीनदारों से भी बचाए पढ़ाई थोड़ी हो और अमल क्या हो ज्यादा हमारे खतीब साहब मस्जिद के हो के गुज्ता दिनों मैं तो अपने बच्चों का बाप ना मेरे वो बच्चों के रूहानी माम थे उनसे मेरे आल औलाद बड़ी मुतासर थी तो अब बड़े मुझे फोन आते हैं फलां बड़ा खतीब है मैं उनको कहता हूँ खतीब थोड़ा हो बमन ज्यादा हो ताकि मेरी औलाद मेरा ख़ानदान उनसे पूरा दीन जो है वो सीखे हासिल करें तो तहक़ीक निकल आई है जी सास सोरे दी तो खिदमत है कोई नहीं ये एक तक शेख साहब आ गई है ना उन्होंने जी बीबी जड़ी है उसे पाबंद ही नहीं सास सहुरे की खिदमत ये काफिरों के तर्ज तरीके उसके ऊपर हम इस्लाम का लेबल लगा रहे हैं मुझे बताओ अगर बुजुर्ग लोगों को खिदमत की जरूरत नहीं तो फिर खिदमत की जरूरत किसको है फिर इनको कहां छोड़ा है केयर सेंटर के अंदर इनको छोड़ा है नबी अलैहि सलाम ने क्या कहा है सुने घर उजड़ते हैं फरमाया मर जो है मैं और आप माँ बाप की रजा के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते और कहा बीवी खामद की रजा के बगैर भी जन्नत में नहीं जा सकते खामद हुक्म दे तो उसकी इतात करे सही मुस्लिम के अंदर अदीस है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी मेहमान आ गए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरे मेहमानों की मेहमान नवाजी करो उनकी बहू ने खाना पका के हजरत अब्दुलरहमान बिन अभी बकर तो ये उस नबी मुआरे की मिसालें हैं हजरात कुछ ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर आ चुके हैं फिल्में और ड्रामे देखते हैं और औरतें अपने खामदों को क्या कहती हैं मैं तेरी बीवी यहाँ मैं तेरी नुकरानी नहीं मैं जिनसी अमल करूंगी बच्चे पैदा करूँगी तेरा मैंने काम कोई नहीं करना ना कपड़े देने हैं ना रोटी देनी है इस तरह की बातें जो हैं वो होती हैं और हमारी जो आगे नौजवान नस्ल है कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली काम ही उल्ट चल निकला है औरतें जो हैं वो मेकअप करने में सजने धजने में आने जाने में मसरूफ हैं और हमारे बच्चे उनके खामन जो हैं वो खाने पकाने में मसरूफ हैं घर इसलिए उजड़ते हैं इसकी इज्जत की हिफाजत करनी माल की हिफाजत करनी खामन जो है घर में नहीं चादर चार दीवारी की हिफाजत करनी और एक बात याद रख लो जो औरतें ना अपने खामदों को शिकायतें लगाती है ना सौ फीसद सच्ची शिकायत भी लगाए ना जानम में जाएंगी हां कोई औरत उसके बाप की सुन लो खामद के बाप की माँ की बहन की भाई की शिकायत लगाए ना ये शिकायत की जो शीन है ना ये शैतान वाली है शिकायत की जो शीन है वो क्या है शैतान वाली हजरात अल्लाह तबारक वाल ने कुरान मजीद में क्या कहा है इन कैदा कुन्ना दुन्ना पहले माँ बाप से तोड़ती हैं और जो औरतें मर्द को मां बाप से तोड़ती हैं बहन भाइयों से तोड़ती हैं वो अपने ससुराल में भी उसकी इज्जत नहीं बनने देती और जब औलाद जवान हो जाती है औलाद को भी उसके खिलाफ कर देती है और जवान बेटा जो है वो अपने माँ बाप को अपनी माँ के उकसाने पर मार है घर इस वजह से उजड़ते मेरे भाइयों दोस्तों मैं एक मिसाल देकर फिर अगला जो दर्जा है वो बयान करना चाहता हूँ भाइयों भाइयों का रजी ताला अन्हा। बच्चा बीमार था हमारा खामन जो है वो हमारी बच्चियों का बहनों का बेटियों का जब आता है घर वेलकम करने की बजाय अच्छा खामदों के लिए सजती नहीं है औरों के लिए सजती खामद घर में आएगा तो उसको जहनी सुकून देने की बजाय अल्लाह की कसम है ये मर्दों पर जो परेशानियां जमाने की बनती है ना ये पहाड़ों पर डाल दी जाए पहाड़ पानी की तरह बहना शुरू हो जाए ये मर्द जो रोजी कमा कर लाता है ये एवं ना समझ लेना ये जिस तरह गंदम जो है बवाई से लेकर आटा बनने के अमल तक पिसकर कई मराहल से तय होकर के आती है इसी तरह उस आटे को मुहैया करने वाला कई पापड़ बेल कर कई लोगों की गालियां खा कर जो है ना मेरे घर में एक मिस्त्री मजदूर था वो मिस्त्री ना मजदूर को गालियां दे मैंने कहा भाई जूर तो निकल हजार फटते इतो निकलना हो हजार रुपये इसने लेना है और रोजाना की तो सौ गालियां इसको देता है बुजुर्ग है दाढ़ी वाला है दादा है पाल बच्चर है और वो रोजी किस तकलीफ वाले अमल से गुजार के जा रहा है कि जिस अमल से कत्ल हो जाते हैं कोई तो बंदा किसी को गाली दे दे तो कत्ल हो जाता और रोजाना रोजी कमाने के लिए सैकड़ों गालियां खाता है ठेकेदार की भी मिस्त्रियों की औरतों को नहीं पता यही वजह अल्लाह के नबी ने फरमाया मर्द के बदन पर पीप का छालो और उसकी बीवी अपनी जुबान के साथ उसको साफ भी करे तो अपने खामद का कभी हक अदा नहीं कर सकते ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्क पर मर्द हो मर्द का बच्चा हो चमल ना हो मेरे भाइयों दोस्तों वो बच्चा बीमार था खामद बड़ी सख्त मुशक्कत करके गारा आया ना तो बच्चा फौत हो गया उसने कहा कि मैंने अगर अपने खामन को बताया ना एक मुझे दी औरत ऐसी दिखा तो जी दिखाई तक सुनते हो ना मेनू कार पारी सुननी सबर जमी, वल्लाहुल पबरुन मैं कहता हूँ एक औरत ऐसी अक्सर मैं निकाह के मौके पर ये वाक्य सुनाता हूँ और मैं कहता हूं उम्मे तलहा की तरह बनना अल्लाह यार बयान करने में और कैफियत में अमल ही कुछ हो रहा है बच्चा फौत हो गया बच्चा मां का बच्चा घर आया उसने कहा क्या है छोटू का है भी सची थी उसने कहा राहत पा गई बाप ने समझा के आराम आ गया वो सोया रात मिया बीवी का ताल्लुक भी कायम हुआ जब सुबह हुई मां थी उसने रोना शुरू कर दिया उसने कहा क्या है क्यों रो रही है उसने कहा बच्चा फौत हो गया उसने कहा कब उसने कहा तेरे आने से पहले आपके आने से पहले हजरात, मुझे क्यों नहीं बताया दोनों मियां बीवी शिकायत लेकर खामद रसुल्ला की खिदमत में आ गया पीछे पीछे वो मेरी गालते सुनो अपने खामद के पीछे पीछे वो भी आ गए रसूल्ला के पास या रसूल Allah की कसम है मैंने अपने खामद के सुकून के लिए इसको नहीं बताया अल्लाह के नबी ने उस औरत की सच्चाई की तस्दीक की और आप इतना खुश हुए। आपने आसमान की तरफ हाथ उठा लिए अल्लाह उम्म को पुत्र दे उम्मे तला को पुत्र और फिर अगले साल अल्लाह ने पैगंबर की दुआ से बेटा दिया कोई खजूर लेकर आ गया कोई कोई चीज गुड़ती और कहा पीछे हट जाओ मेरे बेटे के मुंह में सबसे पहले अगर कोई चीज जाएगी तो रसोलह की आपकी लुहाबे मुबारक जाएगी नबी पाक के पास आ गई यार तो दुआना अल्लाह ने दिता है इन गुड़ते भी तुसा दे है और अल्लाह के नबी ने अपने दांत मुबारक में खजूर चबाकर उसके मुंह में जब डाली ना सुबह अल्लाह बचा भी के ला ला के स्वाद खाए के जिम्मा नानो नफका है खामत के जिम्मा घर देना जरूरियात को पूरा करना ख्वाहिशात को नहीं जरूरियात को पूरा करना यह खामद के जिम्मा है और जब भी निकाह करो तो उसके साथ निकाह करो जो दीनदार हो और आपकी बेटी की जरूरियात को पूरा कर सके खाशात इसके चक्कर में पड़ के हम बहुत दूर और फिर वाले की खिदमत में भी अर्ज है अपने बच्चों में काले और गोरे की बुनियाद पर तफरीक ना किया करो इससे नस्लें उजड़ती हैं मैंने देखा है कई मेरे दोस्त हैं, बच्चा गोरा है बुलाने के बीच के पता लगे साड़ा मॉडल दुनिया से आया ना बड़ा बड़ा सोहना है रंग मेरे पक्का रुका के रख दे बच्चे के दिल में माँ बाप की नफरत पैदा हो जाएगी जिसके कसूरवार आप है हजरात एक बच्चे को रब ने रिजक दिया माँ प्यो भला क्यों बड़िया तो जचही दुआव करने पुत्र तो वह तेरी माँ दिया दुआव न माँ की माँ तेरे प्यो ने तेरे वास्ते मंगे ही बड़ा और जो दूसरा बच्चा है रिजक रिजक और रिजक की तर, जो तदबीरें हैं वो भी अल्लाह के हाथ में लेकिन आज आज के इस दौर में मैंने ये देखा है कि जेड़ा बच्चा माड़ा वे सुबह कोई बात बदल ले जी, कोई बात नहीं बदल ले दूसरा लगा ले दूसरा जी दूसरा दे दे कोई बात नहीं और मेरी गल्लां तो समझ आ रही है ने कि नहीं माशाल्लाह जी बुजुर्ग का हाथ लग गया इंशाल्लाह ठीक हो जाना, माशाल्लाह तो बोलो जी ये जरूरत नहीं पी ठीक हो गया माशाल्लाह अच्छा ये जजाक अल्लाह जी ठीक है हजरत अब जो है मेरे ख्याल वही चल रहा था अब तो अच्छा ठीक नहीं चल रहा जी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह चलें नाले ना पता कि लगेगा लोगों को भाभीत है खराब स्पीकर कौमी निशान लग रहा है माशा दोबारा कर लो हजरा हसलो जमाल की बुनियाद पर औलाद में फर्क नहीं करना गरीबी और अमीरी की बुनियाद पर भी औलाद में फर्क नहीं करना इससे घर उजड़ते घर क्यों उजड़ते हैं जो फरमा बरदार है उस पर अतियात से और जो कमी कोताही करने वाला है उसको हाय और बदवाए नहीं नबी सलाम का फरमान है वाले देन के लिए फरमा अपनी औलाद को कभी बदवा ना देना कोई कबूलियत का वक्त हो तो वो दुआ कबूल हो जाए कभी भी हजरात घर उजड़ते हैं कि जब वाले फर्क करते हैं और एक भाई दूसरे भाई का मुखालिफ और दुश्मन हो जाता है ये जो अधीश है कि सुलह करवाने के लिए झूठ बोले तो झूठ नहीं किस पर अगर किसी ने अमल करना है तो सबसे ज्यादा वालदेन ने अमल करना कि भाई अपने बेटे को कहे कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बड़ा याद कर रहा था अपने बेटे को कहे ये ले पैसे बड़े भाई को गिफ्ट ला कर दे हम अपनी औलाद की मोहब्बत खुद नहीं पैदा करते फिर घर किस तरह उजड़ते हैं कई नौजवान है जो हमसे शिकायत करते हैं मां नहीं अच्छी लगती क्यों प्यो का जेन शकी है तो पुत्रा न मां का ध्यान रखा जाए कितने आँदी जाती अब देखे बिल्कुल इसी तरह जो है घर किस तरह उजड़ते हैं वो बाप के बारे में नफरत दिलाती है घर तो इस तरह उजड़ते वाली जो है वो में से किसी की इज्जत नहीं रहने देता कहता ना तेरी मासी चंगी तेना मामा चंगा लुट के ला और मां जो है वो हमारी सा मेरे समेत जिन्हें भी बैठे हैं ना साड़ी किसे भी मां ने कोई ताया चाचा चंगा रहन दिता नहीं हाँ आप हंसते नबी अल तो साड़ी किसी भी मां ने ना ताया चाचा चंगा रहन दिता ही नहीं अब उसका नतीजा क्या है हजरात औलादे दिल करता है कि ये मेरे चचा मेरा चचेरा दो दो मैं तेरिया लत ने जे तो मैं नजर आया होना क्या चाहिए कि आपस में खानदान की मोहब्बतें कायम हो ये एक दूसरे में दिलचस्पी ले चचा के बेटे से रिश्ता हो जाए पुप्पो की बेटी से हो जाए की आंदर सब की औलादे जवान है और उजड़स्तान है वो क्या कहते हैं जेन हीजिए हमारे मिलते मां बाप ने जेन मिलने दिए ही नहीं है इससे घर उजड़ते घर किस तरह उजड़ते हैं बच्चे की शादी उसकी तजलील करके कर नहीं तू तो बुढ़ी दे थले लग जाने भाई बरूदी सुरुंगा कार उजाड़न आ दस साल तक इंसान उन बरूदी सुरुंगों से बच ही नहीं पाता और कई माशाला वो कैमरे से भी बढ़कर काम करते हैं मियाँ बीवी बच्चे हैं उनकी शादी है पैर दरवाजे खड़कानगे इनी देर नहीं अंदर लेटी था बाहर निकलो बाहर निकलो वाला वाला बस मैं इशारे से बात करना चाहता हालांकि शादी की है उसकी मोहब्बत बनने दे उसकी मोहब्बत बनने दे घर किस तरह उजड़ते हैं भाइयों के हाथों से भाई किस तरह कत्ल होते हैं हमारे मुशरे में यहां बड़ा भाई पिस जाता है कट जाता है और मेरे माँ प्यो ने मैंने इनका कुछ करना है वो बेचारा अपनी औलाद छड़ा देनवा ले पाता फिर घर इस तरह उजड़ते कि जब हुकूक हुक्को फराइज का तयन नहीं करते घर किस तरह उजड़ते हैं जब बच्चे बड़े की सारी कमाई माँ बाप तरका बना के औलाद के अंदर तकसीम कर देते हैं कमाया उसने बेचारे ने मेहनत अल्लाह ने उसको रिजक दिया है मिया जी अल्लाह आपको भी दे सकता रही भाई था मेरिया दुआवा रही ने भाई तेरिया दुआ का मतलब है सारे वो माल ते डेती मार लवे घर किस तरह उजड़ते हैं जब घरों में से पुफियों के और बहनों के हिस्से ना दिए सबसे ज्यादा मैंने देखा एहले हदीसों के अंदर एहले सुन्नत के अंदर पस्ती हिस्सा देते हुए ना उनका हिंदू जाग जाएगा सिख वो जरा ना सल्फी साहब से ना वो सीधे सिंह बन जाएगा तो हिस्सा देने को तैयार ही नहीं ना बहन को ना बेटी को ना प्फी को कई ऐसे बदनसीब दीनदार हैं तजगुजार हैं मसीद तो न से चुकी है ना प्पी का हिस्सा ना पहन का हिस्सा तो ना गोती हिस्सा घर तो उजड़ते इससे और फिर इसके साथ साथ जो आखिरी बात है हमारे घरों में ना कुरान है हमारे घरों में ना नमाजी है और फिर घर क्यों उजड़ते हैं हमारे घरों में स्टडी रूम भी है हमारे घरों में डबल ड्राइंग रूम भी है लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने घरों में मस्जिदें बनाओ हमारे घरों में मस्जिदें नहीं, नहीं मेरे भाइयों दोस्तों ये चंद बातें हैं मैं अपनी सारी गुफ्तु को समेटना चाहता हूं घरों में कुरान इबादत अल्लाह का नाम अल्लाह के रसूल का नाम और सीरत और घर वो ही है माँ बाप उनके साथ एहसान बीवी के साथ उसने सलूक भाइयों के साथ नरमी और ऐसी नरमी अल्लाह के नबी नबीत ने और मैं तो मासिल एक सभी आ गया नाराज़ है मैं जाता हूँ आपने फिर मैं फिर जा फिर आ गया कहता जी मैं जाता हूँ बोलता ही नहीं है, फरमाया फिर जा फिर आ गया मैं जाता हूं, वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं करता फरमाया फिर जा मेरे रब ने मुझे जोड़ने का हुक्म दिया है मैं तुझे तोड़ने का फतवा कैसे दे और मेरे भाइयों दोस्तों अल्लाह के लिए इन बातों को समझे घरों के अंदर फिर आखिरी जो मैं बातें करना चाहता हूं एक घर कई द यूज़ किस्म के जो भाई है ना वो घर भेड़ा दे सामने कच्छे पाके लगे फिरते हाँ आपने इंसानों में शैतान देखने होना तो वो बंदे देखे जो अपने घरों में अपनी महारन बहन बेटी के सामने कच्चे शॉर्ट्स पहन के चलते फिरते नजर आते अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हमारे प्यारे नबी के तरीकों पर जिंदगी बसर करने की तोहफी कथा फरमाए मामलात वाले अहले हदीस और अहले सुन्नत बने और आपके घर पर अल्लाह का हाथ आप अपने रिश्ते जितने भी उन सब को ठीक करें बचाएं जिन्होंने ज्यादतियां की उनको माफ कर दे रिश्तेदारियों की जो ज्यादतियां माफ करता है अल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से उसको रिजक देता है कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं मैं अपने वाल मोहतरम की आखिर में बात सुना देता हूँ अल्लाह की तोफिक से मेरी पांच बहन है उनके बराबर भी नहीं मांग कर बड़ी लजाजत के साथ इज्जत के साथ लोगों तो ने रिश्ते लिए उसका सबब क्या है कि मेरे वाले मोहतरम अपने सारे रिश्तों को बचाने वाले थे और उनकी ज्यातियों को दर करने वाले थे और फिर अल्लाह ने उसका सिला क्या दिया पांच बेटे पांच बेटियां और अल्लाह ताला के फजलोकम से मामला में हमारे साथ भी अल्लाह का बड़ा ही फजल है उनकी नेकियों की जजा और सिला और रिजक अल्लाह हमें दे रहा है अल्लाह तब सबको अमल की तोफ़ी कथा फरमाए वह आखिर